चावल के ढेर सारे पापड़ और एक साथ बनाने का राज, बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत ही फास्टली तरीका। एक साथ में आप इतने सारे पापड़ बना के रेडी कर सकते हो। तो चलिए आज इस रेसिपी को देखते हैं और बेलने के झंझट से छुटकारा पाते हैं। चलिए इसी जिसी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चावल के ये पापड़, न बेलने का झंझट न सुखाने की समस्या, कोई भी टेंशन नहीं है। बहुत आसानी से आप सिर्फ 10 मिनट में इन्हें बना करके रेडी कर सकते हो। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। आप इन्हें छांव में सुखा सकते हो, धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। चावल के जीरा वाले पापड़ बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे पानी टिका दिया है गैस पे एक पतीले के अंदर, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो पानी आधा, जो ये पतीला है वो आधा पतीला तक पानी ले लें। मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे एक चौथाई पतीले में पानी टिका दिया है। पानी को हम बॉईल होने देंगे। जब तक हमारा पानी बॉईल होता है तब तक मैं आगे की आपको प्रोसेस बता देती हूँ। जब तक हमारा पानी बॉईल होता है तब तक हम आटे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया यहाँ पे चावल का आटा, और इसको मैंने मिक्सी जार के अंदर घर के अंदर ही पीस लिया था। तो आप नॉर्मल किसी भी चावल को घर के अंदर पीस लें। थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर नमक, और एक पिंच के जितना हम डालेंगे मीठा सोडा, बिल्कुल एक पिंच यानी एक चिमटी। अब ये लिया मैंने गरम पानी, थोड़ा गरम है, बिल्कुल ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसके अंदर, और स्पून की सहायता से ऐसे मिला लेंगे। पानी ठंडा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, थोड़ा गर्म करके पानी लेना है, और इस तरह से स्पून की सहायता से मिक्स करेंगे। जैसे हम आटे का डू लगाते हैं ना वैसा। थोड़ा सा और डालेंगे, बस ये पानी अब थोड़ा ठंडा हो गया है, और क्योंकि आटा तो बिल्कुल ठंडा था तो पानी भी ठंडा हो गया। अब हम हाथ से इसको गूंथ लेते हैं। डो को एक जगह इकट्ठा करेंगे और हाथों में एक बड़ी सी लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद हम इसको बीच के अंदर से इसमें एक होल प्रिपेयर करेंगे। जैसे हम ढोकला बनाते हैं तब जो होल बनाते हैं वो होल प्रिपेयर करेंगे, और हाथों को थोड़ा सा चिकना करके आप इस तरह से ढोकला सा बना लें। दूसरी तरफ हमारा पानी बॉईल हो गया है तो उबलते हुए पानी में इसको हम डाल देंगे और एक मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। थोड़ी सी पक जाती है तो इस तरह से ऊपर आ जाती है, तब हम इसको इस तरह से पलट देंगे, स्पून की सहायता से पलटेंगे। अगर ये टूट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको टूटने दें, इसको पलट दें। इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है। अब इसे पकने देते हैं। इसे हम इस तरह से पलट पलट के पका लेंगे। थोड़ा सा और पलट देते हैं, एक दो बार पलट देना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट हो गए दोस्तों, ये अच्छे से पक गए, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इनको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से पानी को बिल्कुल झाड़ करके और हम इसे बाहर निकाल लेंगे। सभी पीसेज को हम इस तरह से पानी को झाड़ करके बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद 1 से 2 मिनट इनको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेज में इसको कट कर लेते हैं। एकदम से ठंडा नहीं करेंगे, आप चाहे तो हाथों से इसको मेस कर सकते हो, और आप चाहे तो इसको जार के अंदर डाल करके भी पीस सकते हो। मैं इसको जार के अंदर डाल करके पीस लेती हूँ। तो मैंने ये मिक्सी का जार लिया है और इसके अंदर ये जो पीसेज मैंने कटे हैं वो डाल देती हूँ। थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा और इसको पीस लेते हैं। तो देखा दोस्तों, मैंने इसको पीस लिया है,
अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। सहायता से हम इसे बाहर निकाल लेंगे ऐसे। अब हाथों को थोड़ा सा चिकना करेंगे ऐसे, घी या तेल से आप हाथों को चिकना कर लें और बैटर को इस तरह से एक लोई डो बना लें, तो बहुत ही आसानी से इसके आप डो बन जाएगा और ये जो आपके पापड़ बनेंगे ना बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आप देख सकते हो डो के अंदर कितना अच्छा लोच है, आप देख सकते हो। तो डो हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसकी एक लोई बना लेते हैं ऐसे। तो ये मैंने लोई बना ली है। अभी मैंने लिया ये प्लास्टिक पेपर, ये साड़ियों वाला जो साड़ी के अंदर आता है वो थैली, इसके बीच में इसको रखेंगे और इसको हम हथेली की पंजे की सहायता से इस तरह से फैलाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो कटोरी होती है ना उसका यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। हाथों से भी ये देख सकते हैं आप अच्छे से फैल रहा है ये, और कटोरी का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेलन की ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी, कि आपको बेलने की ज़रूरत है, हाथ से भी अच्छे से फैल रहा है और आप इसको कटोरी से भी ऐसे फैला सकते हैं। जितना पतला आप चाहे उतना पतला आप इसको ऐसे फैला सकते हैं। देखिए इस तरह से ये फैलता जाएगा। जितना पतला आप चाहे इसको फैला सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना इजीली से फैल रहा है। और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल से बराबर है तो आप कोई भी कटर ले सकते हैं। मैं इस ढक्कन का यूज कर रही हूँ। इसको हटाएंगे प्लास्टिक पेपर को, ठीक है, और ढक्कन की सहायता से इसके इस तरह से कट कर देंगे। ढक्कन को पहले थोड़ा सा चिकना कर लें इस तरह से। आप देख सकते हो ये जो पापड़ है वो बन करके ऐसे रेडी हो जाता है। ये देखिए, तो इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। और ये बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे, आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैन के अंदर आप इसे सुखा सकते हैं, फ़ैन के अंदर भी ये आसानी से सूख जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इनको ऐसे कट कर लिया है और जो बीच का पार्ट्स है उसको हम फिर से बेल करके इसी तरह से कट कर लेंगे। बीच के पार्ट्स को मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। इसको हम वापस से लोई करके और फिर इसको हम बेल लेंगे। इस तरह से हमारे जो पापड़ है वो देखिए बहुत ही बढ़िया से रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं अपने सारे पापड़ जो है वो तैयार कर लेती हूँ। न बेलने की ज़रूरत, एक साथ में बहुत सारे बहुत बड़ा बना करके भी आप इसको बना सकते हो। मैंने सारे जो चावल के पापड़ है रेडी कर लिए हैं और अब मैं इन्हें पंखे में सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये थोड़े सूख जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे, इनको पलट करके फिर से हम सुखा लेंगे। तो लगभग 2 से 3 घंटे के बाद मैं इनको पलट दूंगी और उसके बाद में फिर 2 से 3 घंटे और लगभग 6 से 7 घंटे में ये सूख करके बिल्कुल से तैयार हो जाते हैं। 2 से 3 घंटे हो गए और मैंने इनको पलट दिया है। अभी ये थोड़े आप देख सकते हो ऐसे लूज है, पर इनको इस तरह से पलट करके और 2 से 3 घंटे के लिए और सुखा लें, बिल्कुल से ऐसे सूख जाएंगे। देखिए बस बिल्कुल से सूख जाएंगे, थोड़े थोड़े ये भी सिले हैं तो इनको सूखने देते हैं। लगभग 24 घंटे के बाद ये बिल्कुल से सूख करके तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हो इनकी आवाज़ एकदम से तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। गर्म हो गया है तो हम ये चिप्स डाल देते हैं। आप देख सकते हो कितने बढ़िया से फूल करके रेडी होते हैं और बस इस तरह से हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे चावल के पापड़ फ्राई कर लेते हैं।
दोस्तों हमारे सारे पापड़ फ्राई होकर की रेडी है। आप देख सकते हो कितने बढ़िया, एकदम से सॉफ्ट और बढ़िया बने हैं और एकदम से वाइट आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आप भी पापड़ घर पे बनाएं, बहुत ही आसान से टिप्स हैं और एक साथ में बहुत सारे आप बना सकते हो, रेडी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।